अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी, वाईटी पे जो भी तमाशे चल रहे हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब न्यू कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि जो ताहिरा है उसकी वॉइस लीक हुई है, जिसके अंदर वो पता नहीं दारे वालों को गालियाँ दे रही है। कुछ इस तरह से वो बताया जा रहा है, और कुछ इस तरह से भी बताया जा रहा है के वो मतलब घूस देने की कोशिश की जा रही है, काम निकलवाने के लिए, केसेस करवाने के लिए, अंदर करवाने के लिए। तो इसके ऊपर फिर कुछ लोगों ने फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, और कुछ चैनल वालों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिए। तो फिर बाद में इनके तरफ से तो यही बयान आया है कि हम कुछ भी करें, तुम लोग कौन होते हो, ना ही तो तुम लोगों ने पैसे लगाए हैं, ना ही तुम लोगों ने केस किए। और दूसरी जगह से भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये सब क्या है। तो दोनों तरफ से हम जो भी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ बताना आप लोग भी। सबसे पहली बात तो कि ये कि तुम लोगों ने पैसे नहीं लगाए हैं, तुम लोगों ने केस नहीं किए, तो तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम लोग होते कौन हो पूछने वाले? हम लोगों ने या धमकियां दिए हैं, या गालियां दिए हैं, या घूस दिए है। घूस का मतलब समझते हो ना, जो पैसा देके काम करवाना, वो चीज़ ना। तो ये सब चीज़ों के लिए तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि जो लोग अब सवाल कर रहे हैं ना, वो लोग साथ दे रहे थे और यही लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे कि ये बंदी केस कर रही है, ये बंदी है ना सारा कुछ कर रही है। इसीलिए लोगों ने उसके चैनलों को भी सपोर्ट किए थे, उसको भी सपोर्ट किए थे, इतनी इज्जत दिए थे ना, सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही था कि वो केस कर रही है। और बोला ये जाता था कि भाई ये जाती है FIA में, वहाँ के जितना भी स्टाफ है वो खड़ा हो जाता है, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। इसके जो हस्बैंड है वो इस पोस्ट पे है तो उस पोस्ट पे है, वो हिसाब से ये सारे केसेस करवा रही है, सारे लोगों को इस तरह से सज़ा मिलेंगी। अब जाके अगर ये बात पता चलती है कि पैसा दे के, रिश्वत दे के ये सब करवाया जा रहा है, और फिर पीछे से उनको गालियां दी जा रही है, तो यहाँ से मतलब गाली देने का तो यही मतलब हो गया कि वो सारी बातें फिर झूठ थी, कि इसका कोई पावर है, ये कोई इसके हस्बैंड का कोई पावर है जिसकी वजह से सारे इदारे वाले खड़े हो जाते हैं, ये मैडम वहाँ पे बैठती है और फिर लोगों से माफ़िया मंगवाते हैं, लोगों के ऊपर केस किए जाते हैं। मतलब कि अभी दो तीन बंदे जो भी अंदर जा के आए हैं उन लोगों को भी फिर पैसा दिया गया है कि आके बाहर इस तरह से बोलना या इस तरह से एक्टिंग करना। तो इस चीज़ का जवाब तो ऑडियंस मांगेंगी ही मांगेंगी। और जो मैं ये सारी बातें कर रही हूँ ये ऑडियंस के ही सवाल है, जो मैं अपनी आवाज़ में अपने वीडियो के थ्रू कर रही हूँ। तो ये सारी बातें ना ऑडियंस को पता चल रही है कि झूठी थी, आपकी कोई वर्थ नहीं थी, आपके हस्बैंड की कोई वर्थ नहीं थी। जो कुछ भी आप लोगों ने किया है सिर्फ और सिर्फ रिश्वत देके किया है, रिश्वत दिए है ये बात का प्रूफ वो गाली है जो आप दे रहे हो, और बोल रहे हो कि इतने पैसे मांगा तो उतने पैसे मांगा, तो पैसों के बिना तो सुन ही नहीं रहा है, पैसे मांग रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपने रिश्वत दिए थे। अब अगर रिश्वत दे के काम करवाए हो तो इसका मतलब है कि आपकी कोई वर्थ नहीं थी। ये थी सारी कहानी जो ऑडियंस सवाल कर रही है। तो इसके ऊपर जवाब देने की बजाय ये बोलना कि आप लोगों का क्या था, तो बिल्कुल उन लोगों का था, उन लोगों का साथ था, उन लोगों का सपोर्ट था, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात पे कि आप लोग केस कर रहे हो। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग ताहिरा को एक्सपोज करने के लिए ये वॉइसें चलाई जा रही है, वॉइसें लीक कर रहे हैं, वॉइसों को यहाँ वहाँ भेज रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी सवाल है कि अगर के ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता थी, तुम उस ग्रुप में थी, तुम्हारे से ही बात हो रही थी, तो वो टाइम पे तुम लोगों ने फिर ऑडियंस की आंखों में धूल क्यों झोंका? जब वो बंदी आके बोलती थी कि मैं FIA में जाके खड़े रहती हूँ, तो लोग जितने भी ऑफिसर है वो सर झुकाते हैं, सलाम ठोकते हैं,
और तुम जो वॉइस लीक कर रही हो और करवा रही हो जो भी गंदे लोगों से, तो फिर तुम लोग इतने टाइम तलक के क्यों चुप थे जब तुम्हें सारी सच्चाई पता थी। इसका मतलब है तुम भी कोई अच्छी तो हो नहीं जब तुम ताहिरा को धोखा दे सकती हो। आज तुम जहाँ पे बैठी हुई हो कल तुम इनको भी धोखा दोगी। मेरा तो यही सोच है भाई। तो ये भी गलत है, अगर जिसने भी ये वॉइस लीक किया है या जिसने भी तायरा से ये सारी बातें किया था तो वो बंदा भी गलत है, उसका भी उतना ही कसूर है जितना कसूर तायरा का है। ठीक है कि ये बंदी को सारा कुछ पता होने के बावजूद ये उसको सपोर्ट कर रही थी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने में। मतलब के पहले तुम उस जुर्म में पूरा पूरा हिस्सा लो, वो जुर्म में पूरा पूरा उसको अंजाम तलक के लेके जाओ, उसके बाद में खुद ही उस चीज़ को एक्सपोज कर दो। तो ऐसे बंदे के ऊपर तो कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और एक बात के जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग ये वॉइसें लीक कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आप लोगों की आंखें बंद थी, जो टाइम पे हम चीख चीख के बोल रहे थे कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है ये सारी चीज़ें गलत है, ये सारी चीज़ें नहीं है, जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा है। तो वो टाइम पे हमें गालियाँ दी जाती थी कि ताहिरा सिस्टर के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, वो बड़ा मदद कर रही है पिटारा की, वो ये कर रही है, वो कर रही है। और इसके अंदर आप लोगों की भी पूरी पूरी गलती है, और जिस पिटारा को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसकी भी पूरी गलती है। ऐसा तो है नहीं कि उस बंदी को कुछ भी नहीं पता था। जो बंदी अपने पूरे सपोर्टरों को डिसऑन करके बैठी है, कहीं उसके पीछे यही राज तो नहीं है पिटारा? हाँ कि कल को केस वगैरह का पता चलेगा तो ये लोग तुम्हें लात मार के चले जाएंगे, उससे पहले तुमने सोचा कि मैं ही लात मार दूँ, लेकिन फिर भी 1-2 दिन की देरी हो गई, उन लोगों ने ही पहले तुझे लात मारा, उन लोगों ने ही पहले पिटारा के मुंह पे ना कालक पोंछ के इसको गधे पे बिठा के रवाना कर दिया कि जाओ बीबी हमें तुम्हारे को सपोर्ट नहीं करना है। और ये मुझे नहीं लगता कि ये वो कम्युनिटी डालती, जब इसने देखी ना कि सभी ने मुझे डिसऑन कर चुके हैं, सभी ने मेरे मुंह पे लात मार चुके हैं, तब जाके इसने कम्युनिटी डाली, वरना ये बंदी पता नहीं कम्युनिटी डालती कि नहीं डालती। बाकी ये बहुत जितनी भी बातें, मतलब ये जो छुपी हुई है अब थोड़ी थोड़ी करके जो बाहर आ रही है, तो इसके अंदर ये भी अब शक हो रहा है कि और भी बहुत सारी बातें होंगी। क्या पता भाई केस के नाम पे आप लोगों ने ख़ास करके पिटारा ने किस किस से कितने कितने पैसे लूटे तुम लोगों ने, हाँ क्या क्या पीछे फ्रॉड किए। और जाहिर सी बात है मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कोई भी झूठ और कोई भी फ्रॉड कभी भी छुपता नहीं है, वो एक ना एक दिन सामने आता ज़रूर है। और उसी तरह से पिटारा का भी एक एक फ्रॉड खुल खुल के सामने आ रहा है। और मैं यहाँ पे तायरा को पूरी तरह से कसूरवार नहीं मानूंगी, क्योंकि पिटारा अगर इसको हाँ ना बोलती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बंदी ये कदम उठाती। तो यहाँ पे गलती पूरी पूरी पिटारा की है, उसको इस तरह से फ्रॉड करने का शुरू से एक्सपीरियंस है, स्कूल से वो फ्रॉड करती आ रही है। 50 रुपये इसने स्कूल में अपनी टीचर को नहीं दी थी और झूठ बोली थी कि हाँ मैंने दे दी हूँ, तो इसको तो भाई बचपन से एक्सपीरियंस है ना कि झूठ किस तरह से बोलना है। तो यहाँ पे मैं तो नहीं मानती हूँ कि पूरी पूरी गलती ताहिरा की है, गलती पिटारा की है। और हाँ ये बात ज़रूर है कि मैंने जैसे कि बता के रखी हूँ कि ताहिरा इसके चक्कर में जलीलो ख्वार होके वाइटी से जाएंगी, तो मेरे हिसाब से तो ताहिरा को ना इसका सपोर्ट छोड़ देना चाहिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई हूँ ना कि अभी आगे है ना, अभी और भी बहुत सारी गंदगी आने वाली है, बहुत सारा सच एक्सपोज होने वाला है, बहुत सारी बातें आने वाली है। तो ये तो उन सब चीज़ों के सामने कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई, बहुत कुछ बाकी है। और एक ना एक दिन ताहिरा ज़रूर पछताएंगी, और जो इसकी टीम की बंदियां हैं ये भी ज़रूर पछताएंगी। ये लोग सोचेंगे कि काश हम लोग वो टाइम पे शबनम की बात मान लेते, क्योंकि ये बंदी अपनी प्रॉपर्टियां बना रही है, ये बंदी मस्त घूम रही है, फिर रही है, याशियां कर रही है और इंजॉय कर रही है, झूले झूल रही है। और जलील कौन हो रहा है वाइटी पे? उसकी सिस्टर।
आती है वो सिस्टर के लिए, नहीं आती है ना, एंड में यही होगा, ये सिस्टर को फंसा के खुद 9 2 11 हो जाएंगी। अगर नहीं हुई ना तो नाम बदल देना। और ये जो घर वर का जो ड्रामा कर रही है ना, मैं घर देख रही हूँ, मैं घर बनाऊंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ये सब इसके ड्रामे हैं, फेक ड्रामे। ये यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी बना के जाएंगी वापस कराची, जब इसकी प्रॉपर्टियाँ जितनी बननी है बन जाएंगी ना, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टी ये इस्लामाबाद के सर तरफ ही लेती है, तो वहाँ पे रह के ही अपनी प्रॉपर्टियाँ बना के फिर बाद में ये रिटर्न कराची आ जाएंगी। फिर यहाँ पे आके रिटर्न वो प्रॉपर्टियाँ बनाएंगी, जो कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसकी कराची में, और भी बनाएंगी। पहले वो अच्छे से जलील कर ले ताहिरा को, उसके बाद में ये हटेंगी, वरना ये है ना इसे आसानी से हटेंगी नहीं। और ताहिरा जब तलक के डसे नहीं जाएंगी ना, तब तलक के उसके समझ में नहीं आने वाली है। अभी ये वॉइसें वगैरह लीक हुई है, यहाँ पे इसका काम था कि नहीं था कि मैं आके मेरी बहन को क्लियर करूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि पहले भी ऐसी हुआ था, मरियम की वॉइस लीक हुई थी पिटारा को, मतलब पिटारा ने ज़रा भी जाहिर नहीं की कि हाँ मुझे बुरा लगा है। फिर बाद में पिटारा की वॉइस लीक हुई जो मरियम को गाली दे रही थी, मरियम ने और उसके सपोर्टरों ने बोल दिए बहनों में चलते रहता है, अब देखो उसको किसी की चैट बुरी लग गई है, किसी का बोलना बुरा लग गया है। तो यही सारा कुछ है ना ताहिरा के साथ में भी ये करने वाली है। आज तो उसको कोई भी बात बुरी नहीं लग रही है ना कि इसकी सिस्टर को किसी ने बोला, और आप लोग खुद सोचो कि अगर उसने सबके लिए बोली है तो पिटारा के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो उसके मुंह से निकल ही जाएगा। सगी बहनों के लिए भी होता है, सगी बहनें एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल देती है, तो ये तो फिर भी एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना, एक दूसरे से फ़ायदा ही उठा रहे हैं, बहनें तो है नहीं। फिर ये ताहिरा को गंदा करेंगी और फिर इसको ये रस्ते लगाएंगी। खैर अल्लाह मालिक है, जो भी होगा मैं तो बोलती हूँ अच्छा ही होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।